राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश पूनिया जी मंच पर विराजमान, विपक्ष में राजस्थान विधानसभा में राजस्थान की जनता की आवाज गुंजायमान करने वाले हमारे नेता आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं का निर्माण किया, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, हमारे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भजन लाल जी, हमारे संभाग के प्रभारी आदरणीय मदन जी दिलावर साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद जो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहते हैं, आदरणीय हमारे बालकनाथ जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय संजय नरुका जी, आदरणीय बलवान जी, आदरणीय महेंद्र जी और मेरे छोटे भाई मुंडावर के विधायक आदरणीय मंजीत चौधरी जी, और इस मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय पंडित धर्मवीर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय ज्ञानदेव जी, आदरणीय अशोक जी अग्रवाल साहब, और इस सभा में उपस्थित पूजा के योग मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, आदरणीय राजेंद्र जी राठौर साहब का, आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी जी का, आदरणीय भजन लाल जी का, आदरणीय मदन दिलावर जी का और मंच पर बैठे सभी नेताओं का, और इस सभागार में उपस्थित पूजा के योग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अलवर शहर की धरती पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, ये वो जिला है जिसमें अलवर जिले से राजस्थान की सरकार में दो दो कैबिनेट मंत्री आते हैं। यदि मैं बानसूर की बात करूं, बानसूर के अंदर मैनपुर ग्राम में एक नाबालिग बच्चा चार महीने तक गायब रहता है, परिवारजन उसके रिपोर्ट पुलिस के अंदर लिखवाते हैं और चार महीने बाद जब उसका कंकाल मिलता है तो पुलिस उसकी जांच के नाम पर उस घटना को दुर्घटना का रूप देकर के उस समाज उस एफआईआर को भी खत्म करने का प्रयास करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राठौड़ साहब, यदि बानसूर की मैं बात करूं तो भूपसेना से एक हमारी बहन सुनीता लगभग 3-4 महीने से लगातार गायब रही, परिवारजन भटकते रहे और जब उसकी लाश सिरिस्का के जंगलों में मिली तो जांच के नाम पर डीएनए लेंगे, ये करेंगे। माननीय सांसद महोदय को 45 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया लेकिन आज तक वो मुलजिम पकड़े नहीं गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके परिवारजन आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यदि मैं टबुगड़ा की बात करूं, वहीं हरीश यादव युवक को मॉब लिंचिंग के माध्यम से मारा जाता है और फिर दुर्घटना का रूप देकर के पुलिस उस मामले को पटाक्षेप करती है। यदि मैं बड़ौदा में थाने की बात करूं तो भटपुरा के हरीश जोगेश यादव युवक को मॉब लिंचिंग के माध्यम से मारा जाता है और पुलिस उस घटना को भी दुर्घटना का रूप देती है। यदि मैं मुंह बधिर बच्ची की बात करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पड़ोस की विधानसभा के जहां से राजस्थान के कैबिनेट मंत्री आते हैं, 3 महीने से उस बच्ची के परिवारजन, सिख समाज के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति माननीय अध्यक्ष महोदय ये है कि राजस्थान विधानसभा में माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के रूप में जब प्रांत का मुख्यमंत्री विधानसभा में ये घोषणा कर दे कि मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ है, दुर्घटना हुई है, इससे अशोभनीय घटना कोई राजस्थान के इतिहास में हो नहीं सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ यदि मैं राजगढ़ की बात करूं, राजगढ़ में जिस प्रकार से 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह अध्यक्ष महोदय कि एसडीएम तहसीलदार हमारे शिवलिंग के ऊपर, भगवान महादेव के ऊपर जूते पहन के चढ़ते हैं और ड्रिल मशीन से भगवान की प्रतिमा को उखाड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कतई बर्दाश्त होने की बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो जिले के अपराधों की एक बानगी मैंने आपके साथ
सामने रखी है। यदि मैं पानी बिजली की बात करूं, जिस धरती पर आप बैठे अलवर शहर के अंदर, पहले रोज पानी आता था, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन किया, और आज स्थिति यह है अलवर शहर के अंदर कहीं दो दिन में, कहीं तीन दिन में, कहीं चार दिन में पानी के लिए जनता तरस रही है। और अभी हमारे मित्र पूर्व मंत्री हेम सिंह जी कह रहे थे कि बिजली की कटौती बंद हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बिजली की कटौती बंद हुई है? क्या बिजली की कटौती बंद नहीं हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय? ईद का त्योहार था, दो दिन बिजली कटौती नहीं हुई, और बीच के त्योहार बीत जाने के बाद बिजली की कटौती फिर होने लग गई है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब लोग आपके नेतृत्व में संकल्प लेते हैं कि 11 की 11 विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता आज आपके बीच में उपस्थित हैं, और आपको हम ये विश्वास देते हैं कि 2023 तो बहुत दूर है, अशोक गहलोत को सतुद्धि दे दे भगवान और वो चुनाव की घोषणा कर दे, तो आज भी 11 की 11 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खींच करके राजस्थान विधानसभा में पहुंचेगा। अध्यक्ष जी, आज इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर हम सब आपको विश्वास देते हैं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 11 कमल के फूल जीत करके राजस्थान विधानसभा में पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।